हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंज महसूस करते हैं, हार्मोनल चेंज होता है, आप चिड़चिड़े रहने लगते हैं, बात बात पर गुस्सा आता है, समझ नहीं आता, थका हुआ महसूस करते हैं, ऐसे बहुत सारे चेंजेस आपके शरीर में होते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान सुबह उठते ही ऐसी कौन सी चीजें करनी चाहिए जिससे कि आपका पूरा दिन एनर्जेटिक रह सके, तो आज की वीडियो में आपके लिए ऐसी ही कुछ जानकारी लेकर आई हूँ और उम्मीद करूंगी आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सुबह उठते ही करनी चाहिए? सबसे पहली चीज है जल्दी उठना। देखिए, आप सभी जानते हैं जल्दी उठना हमेशा से बहुत अच्छा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान आप थके हुए रहते हैं, उठा नहीं जाता है, लेकिन अगर आप सुबह के समय थोड़ा जल्दी उठते हैं तो इससे आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला महसूस करेंगे, साथ ही साथ आपकी जो बॉडी है काफ़ी एनर्जेटिक रहेगी और अपने ऑफिस और सब चीज़ों को आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और चिड़चिड़ापन भी आपको कम होगा। दूसरी चीज है आपकी कि थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूर करें। सुबह के समय अगर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपका दिमाग शांत रहता है, साथ ही साथ आपका जो नेचर हो जा रहा है कि चिड़चिड़े हो गए, ये वो, उन चीज़ों से भी आप बच जाते हैं। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज या 15 मिनट कम से कम मेडिटेशन आपको जरूर करना चाहिए। 15 से 30 मिनट की मॉर्निंग वॉक आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। प्रेगनेंसी के दौरान जो बॉडी पेन होना, कभी कमर दर्द, कभी पैरों में दर्द, ये सारी समस्याएं लगी रहती हैं, लेकिन अगर आप रूटीन से मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और इतने भी तरह के दर्द आपके शरीर में हो रहे हैं वो नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आप जितने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उतना ही ज़्यादा आप कम्फर्ट फील करते हैं। जितने ज़्यादा देर आप लेटे रहेंगे उतने ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है, तो इसलिए आप मॉर्निंग वॉक जरूर करें। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान सुबह के समय अगर आप एक्सरसाइज करती हैं तो इससे आपकी मांसपेशियां फ्लेक्सिबल बनती हैं, आपको मांसपेशियों में दर्द नहीं रहता है, हाथ पैर सिर पेट सभी तरह के दर्दों से आपको छुटकारा मिल जाता है। अगर आपको सुबह उठते ही मिचली या उल्टी की समस्या होती है तो आप सुबह उठते ही 2 बिस्किट खा लें, या सुबह उठते ही आप बादाम और किशमिश का सेवन कर सकती हैं, उनको रात में भिगो कर रखें और सुबह को खा लें, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो प्रेगनेंसी के दौरान बुक्स जरूर पढ़ें और अच्छी बुक्स पढ़ें जिससे कि आपके बच्चे पर भी पॉजिटिव इफेक्ट हो सके। तो बुक्स पढ़ना भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, तो बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पसंद हो तो वो आप कर सकते हैं। हाँ, ऐसी चीज़ें जो प्रेगनेंसी में की जा सकती हैं। तो सुबह उठते ही कुछ चीज़ें करने से आप अपने माइंड को पीस रख सकते हैं और जो आपका दिन भर चिड़चिड़ापन या गुस्सा रहता है उसमें आप कमी ला सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू, नमस्कार।